नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इस YouTube चैनल में ऑडियो विजुअल क्लास के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव तकनीकी, दूसरे शब्दों में इसे हम जैव प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, हर पहलू में तकनीकी का प्रवेश हो चुका है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, खनन हो, पर्यटन हो, मनोरंजन हो, या हमारे उपचार के लिए तमाम सारे मेडिसिन का क्षेत्र हो, या फिर रूरल डेवलपमेंट हो, या फिर किसी भी क्षेत्र, मानव जीवन के हर पहलू में तकनीकी का प्रवेश हो चुका है। तो तकनीकी हर सेक्टर में जो तकनीकी का प्रवेश हुआ है, उस कारण से तकनीकी आज के ज़माने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए तमाम सिविल सर्विसेज, चाहे UPSC हो या स्टेट PCS हो, उसमें तकनीकी पर सवाल आते हैं, और इनमें से भी सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है जैव तकनीकी। जैव तकनीकी पर लगातार UPSC, BPSC और अदर स्टेट PCS बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड के अंतर्गत पूछा जाता है। UPSC के अंतर्गत देखें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इकोनॉमिक दोनों साथ रहता है, वहाँ पे पूछा जाता है। BPSC के लिहाज से देखें तो ये सेकेंड पेपर के सेक्शन थ्री में इसको पूछा जाता है। और उस लिहाज से यदि आज हम जैव तकनीकी और जैव प्रौद्योगिकी पर एक क्लास तैयार कर लेते हैं, हालांकि यह एक क्लास में पूरा नहीं होगा, इसके लिए 4-5 क्लास करने होंगे, तो इस क्लास के माध्यम से हमारी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी, चाहे वो UPSC का PT हो, BPSC का PT हो, UPSC का मेंस हो, BPSC का मेंस हो, हर जगह काम आएगा। हम आज बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न पहलू पर बात करेंगे, ताकि इनसे संबंधित कहीं भी सवाल आए किसी भी एग्जाम में, किसी भी सिविल सर्विसेज परीक्षा में, तो उसमें जैव तकनीकी से संबंधित सवालों को हम आसानी से उत्तर दे सकें। बेसिकली मेंस के क्लास में जो जैव तकनीकी पर सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके विभिन्न एस्पेक्ट और खास करके उसके अनुप्रयोग पर सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको हम समझेंगे, विभिन्न पहलुओं को यदि समझ लेंगे तो हमारा जैव तकनीकी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैव तकनीकी में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी संकल्पना को देखेंगे, क्या कंसेप्ट है जैव तकनीकी की। दूसरी बार हम स्वरूप को देखेंगे, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं। फिर इसके प्रकार को देखेंगे, कितने प्रकार के जैव तकनीकी होते हैं। फिर इसकी क्रियाविधि, थोड़ा सा क्रियाविधि को भी देखेंगे, हालांकि क्रियाविधि ये साइंटिफिक चैप्टर है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इसका अनुप्रयोग, ये अनुप्रयोग जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस अनुप्रयोग से हमेशा लगातार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे UPSC हो या BPSC हो, तो इसको हम लोग भली भांति तरीके से देखेंगे। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो फिर बायोटेक्नोलॉजी का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखेंगे। और फिर इसका सेकेंड पार्ट होता है उत्तक संवर्धन यानी टिशू कल्चर पर भी देखेंगे। इसके अलावे जैव तकनीकी के जो भी महत्व की बात करेंगे, इसके क्या महत्व है, महत्व पर बात करेंगे, इसका एक छूट गया, इसके महत्व पर बात करेंगे, और फिर जैव तकनीकी की क्या क्या हानियां हैं, और भारत में जैव तकनीकी के संदर्भ में क्या कार्य हो रहे हैं, इन सब सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज़ को भी जानेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो चैप्टर है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और UPSC BPSC में इनसे संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा सेगमेंट है। तो प्रत्येक सेगमेंट के लिए अलग अलग क्लास हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से आयोजित करेंगे और आपके समक्ष रखेंगे। फिलहाल हम एक नज़र देख लेते हैं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको कि जीन अभियंत्रिकी कहा जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जो पराजीनी फसलें हैं, आज काफ़ी विस्तार हो चुका है इसका, हर जगह इसका चलन है। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स,
जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के दौर में हम लोग जो जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टेम सेल थेरेपी, ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी है, अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। फिर क्लोनिंग, जो हमशक्ल बनाने की क्रियाविधि है, डॉली नामक भेड़ का बना था हमशक्ल इसको। फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, एक विशिष्ट पहचान जो हम लोग अंगूठे के निशान से करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर जीन थेरेपी पर क्लास होगा। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पूरा दुनिया के कई देश मिलकर इस पर कार्य कर रहे हैं। और फिर छोटे छोटे टॉपिक हैं बायोसेंसर, बायोएथिक्स और फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैव सूचना विज्ञान। ये सभी जेनेटिक इंजीनियरिंग के पार्ट हैं जिसको कि हम प्रत्येक पर अलग अलग क्लास करेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं मुख्य टॉपिक पर कि बायोटेक्नोलॉजी एक क्या कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है बायोटेक्नोलॉजी। बायो रिसोर्सेज पर तकनीकी का प्रयोग, ऐसे शब्दों का अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, बायो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, मतलब जीवों पर तकनीकी का प्रयोग। इस दृष्टिकोण से देखें तो ये बायो रिसोर्सेज, जो भी जैविक संसाधन है उस पर तकनीकी का प्रयोग, ताकि आइडियल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मतलब मानव कल्याण के लिए एक आदर्श उत्पाद तैयार किया जा सके। इस दृष्टिकोण से देखें तो हम कह सकते हैं कि जैव तकनीकी एक ऐसा अनुप्रयोग है जो जैविक संसाधनों पर तकनीकी का ऐसा प्रयोग करके मानव कल्याण हेतु जो आदर्श उत्पाद तैयार किया जाता है तो वही जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीकी है। इस कंसेप्ट की अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ रोमांचक बातों को भी हम जिक्र करना चाहेंगे। आप लोगों ने कभी सुना होगा डिजाइनर प्लांट। ये डिजाइनर प्लांट क्या है? तो डिजाइनर प्लांट होता है ऐसा पौधा जिसमें कि सारे गुण मौजूद हो, मतलब सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट, मतलब जो भी हमारे पोषक तत्व हैं वो सारे हों। इसी संकल्पना से जुड़ा हुआ है बैलेंस डाइट। हम जानते हैं कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट है जिसमें कि भोजन के सभी आवश्यक अंगों की प्रतिपूर्ति होता हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स एंड साल्ट और जल, ये भोजन के 6 आवश्यक तत्व हैं। तो इन 6 आवश्यक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग फसलों से, पौधों से या फल फूल सब्जियों से इन सारे तत्वों को प्राप्त करना होता है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा प्लांट हो, एक ऐसा पौधा हो और उससे एक ऐसा आदर्श उत्पाद की प्राप्ति हो जो एक ही फसल के उत्पादों को अगर हम सेवन करें तो उससे कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, विटामिन भी मिल जाए, खनिज लवण भी मिल जाए, जल भी मिल जाए, वसा भी मिल जाए। तो ये डिजाइनर प्लांट की बात आती है। तो ये डिजाइनर प्लांट का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बायोटेक्नोलॉजी से संभव है। कैसे संभव है इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। एक डिजाइनर बेबी का भी कंसेप्ट आप लोगों ने देखा होगा। ये डिजाइनर बेबी क्या है? डिजाइनर बेबी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक मानव के बहुत सारे गुण समान होते हैं, इसके बावजूद कई गुण, कई आदत, कई क्षमताएं अलग अलग भी होता है। अगर कोई एक ऐसा बच्चा हो, ऐसा मानव का बच्चा हो जिसमें कि सारे गुण हो, यानी कहने का मतलब है कि वो आइंस्टीन की तरह विद्वान भी हो, उसका मस्तिष्क भी तेज हो, वो मोहम्मद रफ़ी की तरह गाना भी गाता हो बढ़िया, और वो सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट में चौके छक्के भी खेलता हो, और लियोनल मेसी की तरह फुटबॉल भी खेलता हो, और वो एक आदर्श गुणों वाला व्यक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, ऐसे बेबी की कल्पना भी साकार हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। परंतु चूंकि मानव पर अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग का
प्रयोग एक सीमा तक वर्जित है, इसलिए डिजाइनर बेबी का कंसेप्ट अभी फिलहाल कंसेप्ट ही है। लेकिन डिजाइनर प्लांट का कंसेप्ट धीरे धीरे जिस रफ्तार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब हमें डिजाइनर प्लांट देखने को मिल जाएंगे। अभी भी बाजार में बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के कई गुण होते हैं। जैसे टमाटर का ही ले लीजिए, ऑलविन टमाटर, वो जल्दी सड़ता नहीं है। उसके अलावा उसके पौधे जो है बाढ़ निरोधी, सुखाड़ निरोधी, क्षार निरोधी, ताकि किसी भी सूरत में किसान को फसलों की बर्बादी ना हो पाए और वो काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व रहे ताकि किसानों को नुकसान ना हो। तो इस प्रकार के जो डिजाइनर प्लांट हैं, इसकी बात जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो इसके मुख्यतः दो भाग हो सकते हैं, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हमारे देश में या पूरी दुनिया में काफ़ी समय पहले से होता आया है। जो पेड़ पौधे और उसको बीजों को प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से संकरण कराने के पश्चात जो मिला जुला यानी संकरण पौधे प्राप्त होते हैं वो टिश्यू कल्चर के माध्यम से किया जाता रहा है। टिश्यू कल्चर की क्रियाविधि का भी आगे हम चर्चा करेंगे। पहले हम समझते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टिश्यू कल्चर की अपेक्षा, टिश्यू कल्चर में जहां उत्तक और कोशिकाओं के साथ छेड़छाड़ करके उसमें अनुप्रयोग करके आदर्श उत्पाद तैयार किए जाते हैं, वहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसमें जीन लेवल पर, हम जानते हैं कि जीन हमारे आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है और इस जीन को के पैटर्न को अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो हमारे कई आनुवांशिक गुण, कई आदत और क्षमताओं में बदलाव आ जाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा ही टेक्नोलॉजी है, ऐसा ही प्रौद्योगिकी है जिसमें किसी भी पेड़ पौधे या जीव जंतु के जीनों में परिवर्तन किया जाता है और उस जीन में परिवर्तन करके मनोवांछित फल, जिससे कि मानव का कल्याण हो या साइंस एवं तकनीकी के अनुप्रयोग में वृद्धि हो, तो उस प्रकार के जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो डीएनए होता है और डीएनए का रिकॉम्बिनेशन किया जाता है, मतलब डीएनए का जो पैटर्न है उसको काट कर उसको फिर से जोड़ कर और इसका रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है, किया जाता है। इसलिए इस तकनीकी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ डीएनए का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और इसको शॉर्ट में आरडीटी भी कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में आरडीटी से लेकर सवाल पूछा गया है। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं जीनीय पुनर्संयोजन, जीनीय पुनर्संयोजन। यह तो जीनीय पुनर्संयोजन प्राकृतिक रूप से भी होते रहता है, लेकिन जब इसे कृत्रिम रूप से हम करवाते हैं लैब में तब इसे हम कहते हैं जीनीय पुनर्संयोजन यानी आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इससे पहले हमें कोशिका की संरचना और जीन को समझना पड़ेगा। बाद में हम टिश्यू कल्चर को देखेंगे। टिश्यू कल्चर यानी जो खेती की पद्धति होती है उसको अगर टेस्ट ट्यूब में, परखनली में अगर हम करते हैं तो परखनली में जो भी कार्य करते हैं वो इन विट्रो कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का बहुत नाम आप लोगों ने सुना होगा। टेस्ट ट्यूब भी, टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे भी पैदा होने लगे हैं। तो यही काम जब हम किसी पेड़ पौधे के संदर्भ में टेस्ट ट्यूब में उसको उगाते हैं इन विट्रो, मतलब प्राकृतिक दशा में नहीं कृत्रिम दशा में, तब उसको हम इन विट्रो कल्टीवेशन कहते हैं, तो वो टिश्यू कल्चर में पढ़ा जाता है। फिलहाल हम देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जीन क्या है, जीन क्या है और डीएनए क्या है। क्या जीन और डीएनए में अंतर है या दोनों एक ही है? कई बार विद्यार्थियों के मन में, परीक्षार्थियों के मन में यह सवाल होता है जिसका क्लियर कंसेप्शन नहीं होने के वजह से वो भूल कर बैठते हैं
और यह खास करके ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं जो एक दिवसीय परीक्षा है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इस तरह के प्रश्नों को, तो आज उसको हम समझ लेंगे। वास्तव में जीन और डीएनए ये दोनों एक ही चीज है। यूं कह सकते हैं कि डीएनए अगर कमरा है या कमरे की दीवार है तो जीन उसका ईंट है। मतलब जीन एक बड़ा चीज है और उसका एक छोटी सी इकाई जीन है। डीएनए अगर बड़ा चीज है तो उसकी छोटी सी इकाई जीन है। जीन डीएनए का ऐसा क्रियात्मक खंड है जिसमें कम से कम एक अनुवांशिक सूचना जरूर हो। अनुवांशिक सूचना अगर हम मनुष्य के संदर्भ में देखें तो जैसे किसी के बाल घुंघराले होते हैं, पिता का होगा तो बेटा का भी होगा, तो एक अनुवांशिक सूचना ये किसी जीन में निहित होता है और वो जीन कई जीनों का समूह मिलाकर जीनोम बनाता है। जीनोम मतलब जीन का गुच्छा, कई जीनों से मिलकर बनता है जीनोम। जीनोम और सभी प्रकार के जीनों का जो संयोजन होता है वह कहलाता है डीएनए। तो डीएनए कोई अलग चीज नहीं है। अब सवाल उठता है कि डीएनए वास्तव में है क्या, शरीर के किस अंग में पाया जाता है? कभी कभी विद्यार्थी सोचते हैं कि कोई शरीर का एक पार्ट होगा, तो इसको समझने के लिए हम पहले कोशिका संरचना पर विचार करेंगे और कोशिकीय संरचना को भी देखेंगे। जीन को समझने के लिए हम समझते हैं एक कोशिका की संरचना को। मान लिया जाए कि ये एक जंतु सेल है, जंतु कोशिका है। अब देखा जाए तो जंतु कोशिका में क्या होता है, तो जंतु कोशिका के दो भाग होते हैं। एक तो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर का जो सारा भाग है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का सारा भाग जो है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। हमने पढ़ा होगा मैट्रिक इंटर की किताबों में, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य ही जीवन का आधार है। मतलब जीव द्रव्य एक पहला ऐसा चीज है जहां से कि जीवन की शुरुआत होती है, तो प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म भी दो भाग में बटे होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इस भाग को कहते हैं, ये जो भाग है ये साइटोप्लाज्म है, ये भाग है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में कई प्रकार के कोशिकांग बिखरे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रोसोम है, इस प्रकार के वैक्यूल्स होते हैं, इस प्रकार के कई सारे सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिकांग साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। और उसके बाद जो बीच में होता है ये होता है न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। यह केंद्रक एक केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इस झिल्ली के अंदर का सारा जो फ्लूड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें आरएनए, डीएनए और क्रोमोजोम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोजोम होता है, 23 जोड़ी क्रोमोजोम होता है, 23 जोड़ी या फिर 46 क्रोमोजोम। इनमें से 22 जोड़ी या फिर 44, इसको कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब यह हमारे कायिक कोशिकाओं के लिए उत्तरदायी होता है। और एक जोड़ी जो होता है
या फिर दो, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। यानी कहने का मतलब है कि ये 46 क्रोमोजोम पूरा मिलकर हमें मानव जाति बनाता है। उनमें से ये 42 जोड़ी हमें मानव जाति बनाता है, जबकि ये दो जोड़ी ये हमें स्त्री और पुरुष बनाता है। क्रोमोजोम का इतना काम है। बाकी हम मनुष्यों में जो तमाम तरह के वेरिएशन देखते हैं, विभिन्नताएं देखते हैं, रंग रूप में, चाल चलन, काया ढांचा, आदत व्यवहार, इन सबों में जो विभिन्नताएं होती है, जो वेरिएशन होता है, उसके लिए जिम्मेवार है डीएनए। अब आ जाइए, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है जो इधर बता रहे थे। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब केंद्रक द्रव्य, और इसके मुख्य घटक जो होते हैं वो आरएनए और डीएनए। आरएनए की बात अभी फिलहाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अभी चूंकि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो हम जीन को पढ़ेंगे, और जीन चूंकि डीएनए का एक क्रियात्मक खंड होता है, इसलिए डीएनए की बात करेंगे। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, मतलब कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं और वह एक चेन से जुड़ा होता है, इसलिए उसको डीएनए का। तो अगर इसको देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, कई न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। और इसके संरचना कैसे होती है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले इसकी जो लड़ी होती है वो न्यूक्लियोसाइड का बना होता है, और साइड में फॉस्फेट बेस होता है। ये न्यूक्लियोसाइड में भी दो चीज होता है, एक तो शुगर होता है साइड में, शुगर का अणु होता है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बेस। बेस नाइट्रोजनस बेस, मतलब नाइट्रोजनी क्षार, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस समझ लीजिए कि हमारे आनुवांशिक गुणों का जो भी वाहक है वो यही नाइट्रोजनी क्षार है, और यही नाइट्रोजनी क्षार पिता का गुण पुत्रों में और फिर आगे के वंशजों में जो गमन करता है, जो हेरिडिटी के लिए उत्तरदायी है, वो यही नाइट्रोजनस बेस है, यही अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, बेस भी, ये नाइट्रोजनस बेस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है प्यूरिन बेस, और दूसरा होता है पाइरिमिडिन बेस, और दोनों एक दूसरे से संयोजन करता है। यानी प्यूरिन और पाइरिमिडिन एक दूसरे से संयोजन करता है। कैसे करता है? तो प्यूरिन के अंदर दो बेस होते हैं, एक एडेनिन जिसको कि हम सूचित करते हैं ए से, और दूसरा साइटोसिन जिसको सूचित करते हैं सी से। पाइरिमिडिन की तरफ देखिए तो इधर तीन बेस होते हैं, थायमिन जिसको हम सूचित करते हैं टी से, और गुएनिन जिसको सूचित करते हैं हम जी से, और उसके अलावा एक यूरेसिल होता है। यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है, यह सिर्फ आरएनए में होता है। तो यहां पर हम चार बेस को लेते हैं, तो हमेशा यह देखा जाता है कि एडेनिन जुड़ता है थायमिन से और साइटोसिन जुड़ता है गुएनिन से। यूरेसिल चूंकि डीएनए में होता नहीं है, यह आरएनए में पाया जाता है, इसलिए इसका फंक्शन आरएनए में है, लेकिन आरएनए में गुएनिन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो यूरेसिल के जगह पर, अगर डीएनए की बात करेंगे तो वहां पर यूरेसिल नहीं होगा, गुएनिन होगा, और अगर आरएनए की बात करेंगे तो यहां गुएनिन नहीं होगा, यूरेसिल होगा। बस यही बेस का संयोजन है। इसको, यह जो
हमारा जेनेटिक संरचना का जो निर्माण होता है, जीन का निर्माण होता है या डीएनए का निर्माण होता है, जीन और डीएनए दोनों एक ही है, तो उसका कुछ फिगर इस प्रकार से होता है। ये आपका डबल हेलिक्स मॉडल है जिसको कि 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ये डबल हेलिक्स मॉडल में क्या है कि ये ट्विस्टेड लैडर के समान है, घुमावदार सीढ़ी, कभी देखे होंगे चढ़ते होंगे, बाहर से लगा हुआ होता है तो घुमावदार सीढ़ी के रूप में है, मतलब द्वि कुंडलित संरचना। और इसमें हमेशा एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिल से जुड़ेगा और इस तरह से एक पैटर्न होता है। बगल में शुगर है और बगल में फॉस्फेट है। ये न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है जिसमें कि ये जो दिख रहा है यही नाइट्रोजनस बेस है, जो अनुवांशिक गुणों के लिए जो उत्तरदायी है तो यही है। ट्विस्टेड लैडर में ये जो जोड़ने वाली कड़ी है वो हमारे अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। तो इस तरह से एक डीएनए का पैटर्न होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मानव की बात करें तो मानव में ये पैटर्न निन्यानवे प्रतिशत ये समान होता है और मात्र 0.01% ये असमान होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य के डीएनए का पैटर्न को हम देखें तो 99.99% सभी का एक जैसा होता है और महज 0.01% प्रत्येक लोगों का अलग अलग होता है। यही कारण है कि हम मानव एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। अगर दूसरे जीव जंतुओं की बात करें तो ये धीरे धीरे ये प्रतिशत जो असमानता का प्रतिशत है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर हम बंदर की बात करें, चिंपैंजी की बात करें तो मनुष्य से काफ़ी समानता रखता है, इसलिए माना जाता है कि बंदर हमारा पूर्वज है। अगर आगे हम फिर चौपाया और स्तनधारी प्राणियों में चल जाए तो ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये डीएनए का जो पैटर्न है यही हमारे अनुवांशिक गुणों को बदलता है। अब इसी डीएनए में अगर कृत्रिम विधि से एक भाग को काट कर अलग कर दिया जाए तो यही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहता है। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्रियाविधि को भी हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल यही समझ लीजिए कि इसके एक खंड को काट कर हटा दे और यहां पर किसी दूसरे जीन का प्रत्यारोपण कर दे तो उससे क्या है कि हमारे आदत या जिस सूचना को वो रखता है वो जीन, तो उसमें परिवर्तन आएगा। तो यही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इस पर भारतीय मूल के वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने काफी कार्य किया था और डीएनए पैटर्न पर कार्य करते हुए इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज किया था। इसके लिए इन्हें भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था इस जेनेटिक। और ये जेनेटिक कोड इंसानी सभ्यता के लिए वो त्रुटि का पत्ता साबित हुआ जिनके कारण आने वाले समय में अनगिनत ऐसे आविष्कार हो सकते हैं और खासकर मानव रोगों का, जो असाध्य से असाध्य रोग है कैंसर एड्स जैसे, उनका भी इलाज खोजा जा सकता है। फिलहाल अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काफ़ी तेज गति से विकास कर रहा है। आज कोरोना वायरस का जो भय है तो उस कोरोना वायरस का जो एंटीडोट बनाने की प्रक्रिया जो चल रही है तो वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ही माध्यम से है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ही माध्यम से उसका डीएनए का स्ट्रेन को देखा जाता है किस प्रकार का स्ट्रेन है और उस स्ट्रेन को काटने के लिए और उसी का क्या दूसरा एंटी रूप हो सकता है, तो उसकी खोज जारी है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ये सब किया जाता है।